और अब रुक करेंगे 20 मिनट में 20 बड़ी खबरों का। पच्चीस मई साल 2013 जब छत्तीसगढ़ की झीरम घाटी गोलियों से थर्रा उठी थी, धमाकों की गूंज से कांप उठी थी और रक्त रंजित हो गई थी धरती। लाल आतंक का तांडव ऐसा कि कांग्रेस के काफिले पर नक्सलियों के हमले में 32 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में कांग्रेस के महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल, विद्याचरण शुक्ल, उदय बुद्धियार के अलावा सुरक्षा बलों के जवान भी शामिल थे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के टॉप लीडर्स सुकमा में परिवर्तन रैली खत्म कर जगदलपुर जा रहे थे, तभी नक्सलियों ने रक्त रंजित करने वाली वारदात को अंजाम दिया। ये चुनावी साल था, मई की तपती दोपहरी थी, चुनाव की रणभेरियां बज चुकी थी, मैदान में उतरकर पार्टी के लिए नेता पसीना बहा रहे थे। कांग्रेस नेता बस्तर का दौरा कर रहे थे, माहौल तैयार हो रहा था, लेकिन इनमें से किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होना है। फिर 25 मई को जो हुआ वो देश का सबसे बड़ा राजनीतिक हत्याकांड है। 10 साल बाद आज भी वो जख्म ताजा हो जाते हैं। झीरम की बरसी पर नमाकों से शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया। परिणाम दोपहर 12:27 पर मंडल मुख्यालय के विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र स्थित ऑडिटोरियम में स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने जारी किए। रिजल्ट 63.29% रहा। ये पिछले साल से अच्छा है, इस बार भी बेटियों ने बाजी मारी है। टॉप 10 में 254 स्टूडेंट्स आए हैं। इंदौर के मृदुल पाल प्रदेश में टॉपर रहे। इंदौर की प्राची गढ़ाल दूसरे नंबर पर रही। तीसरे नंबर पर अनुभव गुप्ता उमरिया, अभिषेक परमार अकोदिया। एमपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे साथ साथ घोषित किए गए हैं। 12वीं में छतरपुर के विकास द्विवेदी ने स्टेट टॉप किया है। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा की मौली नेमा और शाजापुर के ऋतिक पटेल दूसरे स्थान पर है। नर्मदापुरम के नारायण शर्मा तीसरे स्थान पर रहे। मौली कला संकाय वर्ग में प्रदेश में पहले स्थान पर आई है। एमपीपीएससी मुख्यालय भोपाल में नतीजे जारी करते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि इस बार 10वीं और 12वीं के रिजल्ट एक साथ जारी किए गए हैं। 12वीं का रिजल्ट 55.28% रहा। 52% लड़के सफल हुए, जबकि 58% लड़कियां इस परीक्षा में सफल हुई हैं। अलग अलग स्ट्रीम की बात करें तो 12वीं कॉमर्स में 5 छात्र संयुक्त रूप से टॉपर रहे। इधर पांचों छात्रों को 482 अंक मिले हैं, जबकि 12वीं के गणित में नारायण शर्मा ने टॉप किया है, उन्हें 488 अंक मिले हैं। 12वीं बायोलॉजी में विकास द्विवेदी 491 अंकों के साथ अव्वल पर, दूसरे स्थान पर 489 अंकों के साथ ऋतिक पटेल रहे हैं। वही 12वीं आर्ट्स में छिंदवाड़ा की मौली नेमा ने टॉप किया है। भोपाल के सोनाक्षी और समीका दूसरे स्थान पर रहे। मंत्री ने कहा कि कोरोना की वजह से जिन छात्रों को जनरल प्रमोशन दिया गया था, इस कारण इस साल 12वीं के रिजल्ट प्रतिशत में काफी गिरावट आई। विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से एक चेतावनी जारी की गई है। संगठन के प्रमुख टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने चेतावनी जारी की है कि दुनिया को अगले महामारी के लिए तैयार हो जाना चाहिए, जो कि कोविड-19 महामारी से भी अधिक घातक हो सकती है। ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब कोरोना वायरस संक्रमण के मामले दुनिया भर में कुछ हद तक स्थिर बने हुए हैं और लगातार कम होते जा रहे हैं। WHO प्रमुख ने चेतावनी जारी कर लोगों की चिंता बढ़ा दी है। WHO प्रमुख ने चेतावनी दी कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, इसका एक और प्रकार से उभरने का खतरा बना हुआ है जो बीमारी और मौत का कारण बनेगा। WHO चीफ ने कहा कि आने वाले वायरस काफी लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। अगली महामारी दस्तक दे रही है और जब पता है कि वो आएगी तो हमें निर्णायक, सामूहिक और समान रूप से जवाब देने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो के मरीजों की बढ़ रही संख्या को देखते हुए भारत सरकार अलर्ट हो गई है। पाकिस्तान से सटे राजस्थान और राजस्थान से लगे मध्य प्रदेश के 16 जिलों में पोलियो के संभावित खतरे को देखते हुए 28 मई को पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। इंदौर में भी इसके लिए जन जागरूकता अभियान शुरू कर दिया गया है और जिले में 3800 से ज्यादा केंद्रों पर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा निःशुल्क पिलाई जाएगी। इस दिन जिले में 5,20,372 बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। जो बच्चे 28 मई को टीकाकरण केंद्र पर पोलियो निरोधक दवा पीने से वंचित रहेंगे उन्हें 29 और 30 मई को घर घर जाकर पोलियो निरोधक दवा दी जाएगी।
आपको बता दें कि भारत में 2011 के बाद एक भी केस पोलियो का नहीं मिला और 2014 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। लेकिन भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अभी भी पोलियो के नए केस पाए जा रहे हैं, जिसको देखते हुए एहतियात के तौर पर भारत के पड़ोसी राज्यों में एक बार फिर से पोलियो अभियान चलाया गया है। केरल में धर्मांतरण और लव जिहाद को दर्शाती फिल्म द केरला स्टोरी की ये स्टारकास्ट तस्वीरों में फिल्म के निर्माता विपुल शाह, आशिन शाह, अभिनेत्री अदा शर्मा, योगिता बिहानी, सोनिया बलानी नजर आ रही हैं। साथ ही नजर आ रहे हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। दरअसल फिल्म के स्टारकास्ट गडकरी से मुलाकात करने पहुंचे थे, जिनके साथ केंद्रीय मंत्री ने काफी देर तक बातचीत की। केंद्रीय मंत्री ने ऐसी फिल्म के लिए सभी को बधाई दी। आपको बता दें कि रिलीज के बाद से ये फिल्म काफी सुर्खियों में रही, इसे लेकर विवाद भी खड़ा हुआ। पश्चिम बंगाल सरकार ने तो इस पर बैन लगा दिया, जबकि कई राज्यों में इसे टैक्स फ्री कर दिया गया। आपको बता दें कि फिल्म ने ताबड़तोड़ कमाई भी की, कमाई का आंकड़ा 200 करोड़ के पार पहुंच चुका है। जीप की ड्राइविंग सीट पर बैठे ये हैं मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और साथ में उनके समर्थक। जीप जहां रफ्तार भर रही है वो है भोपाल के करीब 50 साल पुराने भारत टॉकीज के पास बना ROP। इस रेलवे ओवर ब्रिज पर 6 महीने के बाद फिर से ट्रैफिक शुरू हुआ है। विश्वास सारंग ने इसका लोकार्पण किया, उनके साथ मेयर मालती राय भी मौजूद रहे। लोकार्पण के बाद सारंग ने जीप भी चलाई, जिसकी तस्वीरें सामने आई है। आपको बता दें कि ब्रिज के कुल 360 बैरिंग और 15 जॉइंट्स बदले गए हैं, इससे ब्रिज की उम्र करीब 25 साल बढ़ गई है। आपको बताते चले कि विश्वास सारंग ने 8 मई को आरओबी का निरीक्षण किया था। सारंग ने यह भी बताया कि भोपाल के बड़े क्षेत्र को स्टेशन से जोड़ने वाले भारत टॉकीज के आरओबी का लोकार्पण कर दिया गया है। काफी पुराना होने से बैरिंग खराब हो गई थी और अब इसके शुरू हो जाने से बड़ी आबादी को उसका लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क में लाए गए चीतों को लेकर अब एहतियात बढ़ाए जा रहे हैं। कूनो में अब तक 4 चीतों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद चीतों के रखरखाव और वातावरण को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब 29 मई को भोपाल में चीतों को लेकर समीक्षा बैठक होगी, जिसमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। इस दौरान कूनो के वातावरण, चीतों की निगरानी और व्यवस्थाओं की समीक्षा होगी। दरअसल दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से चीते तो लाए गए, लेकिन 4 चीतों की मौत ने प्रशासन के कान खड़े कर दिए। मरने वाले चीतों में एक नर चीता, 2 मादा और एक शावक की जान गई है। संभव है कि समीक्षा बैठक में चीतों के रखरखाव को लेकर जरूरी फैसले लिए जाएंगे। देश भर में 25 मई से नौतपा की शुरुआत हो गई। वर्तमान हालातों को देखते हुए लग रहा है कि इस साल नौतपा थोड़ा कम तपेगा। मध्य प्रदेश में नौतपा के पहले दिन आशंकाओं के मुताबिक गर्मी कम देखने को मिली। प्रचंड गर्मी की आशंका थी, लेकिन पहले दिन मौसम विभाग ने कई जगहों पर बारिश की आशंका जताई। नौतपा का कम तपना ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि प्रदेश के एक हिस्से में तेज गर्मी पड़ रही है। वहीं कुछ हिस्सों में लगातार बारिश का दौर जारी है। बुधवार को भी प्रदेश के कई जिलों में पानी गिरा। सिवनी में 1, ग्वालियर में 0.2 मिलीमीटर पानी गिरा है। हालांकि राजधानी भोपाल में तापमान 42 डिग्री के करीब जा पहुंचा है। कई अन्य जिलों में भी कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हुई है। अगर मंगलवार बुधवार के दरमियान रीवा में 5.2, सतना में 3.2, दतिया में 2.8, सिवनी में 0.6 किलोमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। खजुराहो और ग्वालियर में भी हल्की बूंदाबांदी हुई। गुरुवार से नौतपा की शुरुआत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो पहले दिन आसमान में बादल छाए रहे, कई जिलों में बूंदाबांदी का दौर जारी रहा। कुल मिलाकर मौसम सुहाना बना रहा। इस साल नौतपा में बिलासपुर और सरगुजा संभाग के साथ ही दुर्ग के कई क्षेत्र कम तपने वाले हैं। वहीं रायपुर में मौसम का मिजाज सामान्य रहेगा, लेकिन बस्तर क्षेत्र में तापमान में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि शुक्रवार से उत्तर छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट और दक्षिण छत्तीसगढ़ में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना है।